लो तेरे मुंह में भी नहीं आने का यो चटनी चटनी नहीं बना के दर दी अब तो बस मैं भर का सामान और बैंक दे दिए बनाया फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज है क्या बोलना फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज बच्चों ने बनाया इन्होंने एजिया ने रखी ना दोनों ने खुद ही बना लिया इन्होंने हमने तेल में खुद ही डाल दिया और मैं कह रही थी जलोगे जलोगे जब भी मान नहीं रहे ना और काम में लग रही थी क्योंकि बारिश से हो गया तो सारे में गंदा बारिश पड़ी नहीं चार बूंद पड़ी सारे में झाड़ू पोछा होगा भिगोवा और होगा तो दोबारा से पोछा लगाया और यहाँ पे धोके वाइपर लगाया और ये बना रहे थे अपने लिए चाय तो मन नहीं बना दी थी और आज बीबू भी गंजा हो गया बीबू बाल किसे देखा है हैं अच्छे लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं बीबू ओ बीबू कैसे लग रहे ऐसे बता देखा ऐसे ऐसे कर दे बारिश हो गई बहुत तेज हुई सुबह की पूजा हो गई है वीडियो बंद कर दो कर अभी मैंने अगले दिन सुबह से शुरू किया वीडियो बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और मैंने अक्की के पापा के लिए तो बनाई है भिंडी क्योंकि वो भी लेके जाते हैं ड्यूटी जाते हैं यहीं से ही तो खाना लेके जाते हैं उनके लिए भी सब्जी बनती है सुबह और बच्चों के लिए बनाई है मैंने बांक लिए अब इनमें छोंक लगा दूँगी और नाश्ते की भी तैयारी है नाश्ता भी करेंगे सभी नहीं करोगे तो जरूरत पड़े ही नहीं इतना जड्डाल है इतना जड्डाल है फिर अगली गर्मी में पड़ेगी मौसम तो अच्छा हो रहा है धूप नहीं निकल रही हवा भी चल रही है बारिश का पता नहीं कल ही पड़ी थी हल्की सी और देखे मौसम वो तो रात और आई बारिश गर्मी तो बतेरी हो रही नीचे धो दिया क्योंकि गंदा हो रहा था और मम्मी और मोनिका बच्चे के लिए देख रही हैं लंगोट पोतड़े नहीं तो मम्मी मशीन रख के सिल लेंगी आज क्योंकि कुछ पता नहीं अब
नौवा महीना लग चुका है, तो कब जाना पड़ जाए। कल दिखाने के लिए गई थी डॉक्टर को, अल्ट्रासाउंड भी हुआ है, बेबी तो ठीक आया, वजन भी ठीक है। अभी डिलीवरी की तारीख नहीं दी, अभी डिलीवरी की तारीख नहीं दिया डॉक्टर ने, क्योंकि कहा है कि अभी तो नौवा लगा ही लगा है, दो एक दिन ही गया नौवे के, अभी 15-20 दिन तो खींच ही लो। तो देखते हैं, पता नहीं, अब तो तैयारी करनी पड़ेगी कब भागना पड़ जाए। अब सुबह का तो हो चुका है, दोपहर का खाना बनेगा। दोपहर का खाना पीना हो चुका था और अभी मम्मी बैठ गई है मशीन रख के, लंगोट बना रही है बेबी के लिए। कुछ तो रखे हुए थे देखे हैं पहले, और कुछ अब बना रही है मम्मी। एक कपड़ा रखा हुआ था मोनिका के सूट के, बचे हुए रहते हैं ना कट पीस से जो बच जाते हैं, तो वो रखे हुए थे, उसी में से बना रही है मम्मी लंगोट। और लगी पड़ी है, क्योंकि अब तो थोड़ा थोड़ा सा करके तैयारी रखनी पड़ेगी, फिर एकदम से तो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे बना रहे हैं, और कल डॉक्टर को भी दिखा के आई है मोनिका। ये फ्रेंड्स खा लीजिए खाना, शक्कर चावल भिंडी दाल मट्ठा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी, आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मंदिर में आरती हो रही है, शाम का टाइम है। अभी मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ आप सबसे, आज वीडियो अपलोड करूँगी, कल नहीं जा पाई थी, कुछ मैं आलकस करती रहती हूँ। पता नहीं हमारे तो घर में क्या हो रहा है, आज भैंस बीमार हो रही है, भैंस को बुखार हो रहा है। अभी डॉक्टर आया था, इंजेक्शन लगा है, दवाई भी दी है, पता नहीं क्या बढ़ गया। तो चलिए अभी खाना बना लेते हैं शाम का, उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। अक्की के पापा भी अभी ड्यूटी से आए हैं, टीवी देख रहे हैं। शाम का खाना इन सब ने तो खा लिया है, और अभी जो बाद में रह रहे हैं उनके लिए मैं बनाने लग रही थी। ये देख रहे हैं कान्हा जी के वो चला रखे हैं गाने, तो वही सुन रहे हैं, सब बैठे हुए हैं यहीं पे। और अभी कान्हा जी भी बैठे हुए हैं बाहर, हवा में ही पंखा चल रहा था, पता नहीं हवा तो लगती नहीं पंखों की इतनी गर्मी में। और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, जो जितने जने बचे हुए हैं उनके लिए दोबारा आटा बनाया था मैंने। तो अभी मैं और अक्की के पापा और अक्की के चाचा, हम तीन जने रह रहे हैं खाए बिना, तो उनके लिए बन रहा है, बाकी सब ने खा लिया। और यहीं पे मेरी जेठानी बर्तन धो रही है, क्योंकि साथ के साथ ही काम निपट जाएगा, मैं रोटी बना दूँगी, ये बर्तन धो रही हैं, और उसके बाद बस फिर दूध का ही काम रह जाता है। शाम को दूध मीठा करके सभी पीते हैं, उसके बाद ही सोते हैं सब, तो बस दूध का ही रह जाएगा फिर। और यहाँ पे घर में अभी सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं कामों में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, कोई टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे GI वीडियो बना रही थी, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा वीडियो, क्योंकि बीच में डॉक्टर आए थे, भैंस को देख के गए हैं, और फूफा जी भी आए थे, पापा जी से बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ ज्योति के पास, ज्योति दीदी को पता नहीं क्या हुआ है, बता रहे थे कि बीमार हो रही है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ बस। अभी फिर कुछ काम सरल जाता है ना जब घर में कुछ इस तरह से होता है, तो हमारे काम को थोड़ा सा आज लेट हो गया और दिन के हिसाब से। फ्रेंड्स बने हुए हैं भूत पाउडर लगा लगा के, ये देखिए छोटा भूत विभू, ओ क्या बन रहा भूत, नुकर दे सबको, डरा दे वीडियो में, डरा इधर को डराओ, इधर को डराओ, सबको डराओ, तो ओ डर गए सब, डरा विभू, ओ डर गए भाई सब। तो फ्रेंड्स इस वीडियो कर लेते हैं एंड, और थोड़ी सी कमी रह रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूँ तो पूरी हो जाएगी 10 मिनट की। और चश्मा ये दिक्कत कर रहा है, नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ नाक पे लगाते ही जलन सी हो रही, जिससे मेरे से लग गई है, चेंज करवाना पड़ेगा। नहीं दिखाओ। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट, एक कमेंट आया था आज मुझे कि आपकी देवरानी ने तो बता दिया कि बेटा हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, जब होगा आप सबको वीडियो में पता चलेगा, सब वीडियो आप सबके साथ में शेयर की जाएगी। अभी कोई बेबी नहीं आया है घर में, तो जब आएगा आप सबको पता चलेगा। अभी दिखाने के लिए गई थी कल डॉक्टर को, उसने डेट भी दी है कि 10-15 दिन बाद आ जाना, तो
तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा आप सबके साथ में साझा किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।